हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक 43 और 44 हल करेंगे, यानी 43 का और 44 की वर्कशीट। 43 में दक्षता रहेगी लंबाई अथवा दूरी को छोटी छोटी बड़ी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। मिलान कीजिए 200 सेंटीमीटर बराबर 2000 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, इसलिए 200 में क्या हो गया 2000 मिलीमीटर। 2000 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 2000 सेंटीमीटर में 20 मीटर। 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अगला है दूसरा सवाल, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। अब 300 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 300 में 3 मीटर, 3 मीटर। दूसरा 5 मीटर में सेंटीमीटर 500, 1 में 100 हैं तो 5 में 500। 6300 मीटर में किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 6300 मीटर में 6.3 किमी, 0.300 यानी भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम 0.0। अगला है 6 किलोमीटर में मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 6 किलोमीटर में 6000 मीटर। अगला है 5 का 60 मिलीमीटर। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में मैंने बताया 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 6 सेंटीमीटर में 60 मिलीमीटर हो गए। अगला 72 सेमी में मिमी कितने हो जाएंगे, 10 से गुणा कर देंगे इसको, 720 मिलीमीटर हो गए। अगला है 960 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितने हो गए, 96। और 8400 मीटर में किलोमीटर कितने हो गए, 8.4 या 8.400। अगला है तीसरा सवाल, निम्नांकित सारणी पूरी कीजिए। 36 मीटर 14 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 36.14 मीटर हो गया, और इसको सेंटीमीटर में हो जाएगा 3614 सेंटीमीटर। अगला 98.98 मीटर को में 98 तो मीटर है इसमें, और 98 सेंटीमीटर है, और इसका सेंटीमीटर हो गया 9898। 16 मीटर 24 सेमी का मीटर कितना हो गया, 16.24, 1624 सेमी। अगला है 49 सेमी 8 मिलीमीटर, तो 49.8 सेमी, और मिमी कितना हो गया इसका मिली, 498 मिली। अगला 28.7 सेमी है, तो 28 सेमी 7 मिली, और 287 मिलीमीटर हो गया। अगला 25 सेमी 2 मिलीमीटर, तो 25.2 सेमी, और मिलीमीटर कितना हो गया 252। 15 मीटर 7 सेमी का मीटर कितना होगा, 15.07 मीटर। मीटर में चेंज किया तो इसका 100 का भाग देंगे तो 0.07 आएगा, इसको सेमी में बदलेंगे तो 1507 सेमी। अगली वर्कशीट देखते हैं 44 की, 44 की वर्कशीट कार्य पत्रक 44।
दक्षता रहेगी। बाहर की छोटी बड़ी इकाइयों के अंतर संबंध की समझ विकसित कर पाना। मिलान कीजिए 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम, 7000 ग्राम बराबर 7 किलोग्राम। और अगला है 2350 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम 350 ग्राम। दूसरा सवाल है आगे, हल कीजिए 4 किलोग्राम में ग्राम कितने होंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम। देखो 1 किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। 6 किलोग्राम में ग्राम 6000, 6 को 1000 से गुणा करेंगे तो 6000। अगला 3000 ग्राम में, अब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे यानी 3 किलोग्राम आ गया 3000 ग्राम में। 4000 ग्राम में किलोग्राम कितने होंगे, 4 किलोग्राम। अगला है 26 किलोग्राम 14 ग्राम, 26 किलोग्राम और 14 ग्राम, तो ये तो ग्राम में है पहले से। 26 किलोग्राम में 2600 ग्राम हो गया और 14 हो गया तो क्या हो गया, 2614 ग्राम। अगला 6125 ग्राम में किलोग्राम कितने हो गए। अब देखो इसमें 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, 6.125। देखो ग्राम इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। देखो एक तो है ग्राम, 1 किलोग्राम। अब ये बड़ी इकाई है, ये छोटी है, छोटी में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। बड़ी को छोटी में बदल रहे थे और छोटी को बड़ी में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे। अब देखो 3 किलोग्राम में ग्राम कितने हो गए, गुणा करेंगे छोटी में बदल रहे हैं तो 3000 ग्राम। फिर है 3250 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, छोटी को बड़ी में बदल रहे हैं। देखो छोटी को बड़ी में बदलते हैं तो 1000 का भाग देते हैं और 1000 का भाग देते ही दशमलव आ जाएगा 3.250 किलोग्राम। 2 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 क्विंटल। देखो क्विंटल इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं यानी 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं, तो गुणा करेंगे। देखो 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम हो गए। अगला 500 किलोग्राम में क्विंटल कितना हो गया, 5 क्विंटल। तो ये हो गई वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 43 और 44। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे आने वाले वीडियो में ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद आपका।